मेली किड्स टीवी। एक घने जंगल के बाहर एक झोपड़ी में एक भेड़ और उसके 6 बच्चे रहते थे। सभी बच्चे अपने में ही बड़े मस्त रहते थे और उनकी माँ पिंकी ने सभी बच्चों को बहुत ही लाड़ प्यार से पाला था। वो हमेशा अपने बच्चों की सभी मांगों को पूरा करती थी। अक्सर पिंकी को खाने की तलाश में घर से बाहर जाना पड़ता था और उस वक्त बच्चे घर में ही रहते थे। बच्चों, मैं घर से बाहर जा रही हूँ, तुम सब दरवाजे को अंदर से अच्छे से बंद कर लेना और जब तक मैं ना आऊँ दरवाजे को किसी के लिए भी मत खोलना। हाँ ठीक है माँ। माँ आप कहाँ जा रहे हो? मैं अपने बच्चों के लिए स्वादिष्ट सेब लेने जा रही हूँ। वाह सेब! तुम सब अब दरवाजे को अच्छे से बंद कर लेना और जब तक मैं ना आऊँ दरवाजे को मत खोलना। हाँ हाँ ठीक है माँ, हम नहीं खोलेंगे। कल पड़ोस वाली बकरी आंटी बता रही थी कि हमारे गांव में एक भेड़िया आया हुआ है और वो छोटे बच्चों को उठाकर ले जा रहा है अपने साथ, इसलिए तुम बिल्कुल भी दरवाजा मत खोलना जब तक मैं ना आऊँ, ठीक है बच्चों? मगर माँ, हमें कैसे पता चलेगा कि आप दरवाजे पर आए हो? ठीक बोला तुमने, मैं जब भी आऊंगी तब मैं ये गाना सुनाऊंगी। अरे दरवाजा खोलो बच्चों, माँ है आई, जल्दी खोलो दरवाजा, तुम्हारी माँ है आई। अरे जल्दी खोलो, माँ है आई। मेरी आवाज में जब भी तुम्हें ये गाना सुनाई देगा तुम तभी दरवाजा खोलना, समझे सबके सब? हाँ ठीक है माँ। बच्चों को समझाकर पिंकी घर का सामान लेने के लिए चली जाती है, मगर बाहर खड़ा भेड़िया सबकी सारी बातें सुन लेता है। अच्छा, तुम मुझसे बचने के लिए ये प्लानिंग बनाई जा रही है, बहुत अच्छे। अब इनका राज मुझे पता चल गया है, अब ये मुझसे कहाँ बच कर जाएंगे? आज इनको सबको अपने साथ लेकर ही जाऊंगा मैं। भेड़िया जल्दी जाकर दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है और वो दरवाजे को खटखटाने लगता है। लगता है माँ आ गई है। रुको रुको, माँ ने बोला था कि जब भी वो आएंगी तो गाना गाएंगी। अरे क्या था वो गाना? अरे दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, माँ है आई, अरे जल्दी से दरवाजा खोलो, तुम्हारी माँ है आई। भैया आपने सुना, मम्मी ने गाना गाया अभी। छोटे, माँ तो अभी गई है, इतनी जल्दी कैसे आ सकती है? और ये आवाज हमारी माँ की नहीं है। कौन हो तुम? हाँ 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 बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ, जल्दी खोलो, मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना लेकर आई हूँ। वाह स्वादिष्ट खाना! स्वादिष्ट खाने का नाम सुनते ही सभी बच्चों के मुंह में पानी आ जाता है, मगर सबसे बड़ा बच्चा भेड़िये की आवाज से पहचान जाता है कि ये उनकी माँ नहीं है। सब वही रुक जाओ, ये हमारी माँ की आवाज नहीं है, ये कोई और है। हे तुम जो भी हो, तुम जाओ यहाँ से, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। अरे इन्होंने तो मुझे पहचान लिया, अब कैसे अंदर जाऊं? अब मुझे कुछ नया सोचना पड़ेगा। भेड़िया फिर वहां से चला जाता है और सामने वाले पेड़ के नीचे जाकर सोचता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि ये दरवाजा खोल दे। इन्होंने मेरी आवाज पहचान ली है, मुझे अपनी आवाज बदल कर इनसे दरवाजा खुलवाना होगा। भेड़िया एक बार फिर से दरवाजे को खटखटाता है और इस बार वो कोशिश करता है बच्चों की माँ की आवाज निकालने की। अरे दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, माँ है आई, अरे जल्दी से दरवाजा खोलो, तुम्हारी माँ है आई। अरे ये तो माँ की आवाज है, इस बार माँ पक्का आ गई है।
सभी बच्चे खुश हो जाते हैं और अपनी माँ के लिए दरवाजा खोलने के लिए जाने ही लगते हैं कि उनका बड़ा भाई सबको रुकने के लिए बोलता है। रुको सब, मुझे पहले तसल्ली करने दो कि हमारी माँ है या नहीं है। ये अभी क्यों नहीं दरवाजा खोल रहे हैं? भेड़ के बड़े बच्चे को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये उसकी माँ है, इसलिए वो समझ नहीं पा रहा था कि वो दरवाजे को खोले या नहीं। अगर तुम हमारी माँ हो तो बताओ, तुम बाहर क्या लेने गई थी हमारे लिए? अरे यार, क्या लेने गई थी इनकी माँ इनके लिए, कुछ बोल तो रही थी, क्या था? हाँ, केला। हाँ, केला लेने गई थी बच्चों मैं तुम्हारे लिए। तुम हमारी माँ नहीं हो, क्योंकि हमारी माँ हमारे लिए सेब लेने गई थी, ना कि केला। चले जाओ तुम यहाँ से। भेड़िया बड़े उदास मन से वहाँ से चला जाता है और सामने वाले पेड़ के नीचे जाकर सोचने लगता है कि कैसे इनके दरवाजे को खुलवाए। अगर मुझे इन भेड़ के बच्चों को अपना खाना बनाना है तो मुझे एक बार फिर से इनका दरवाजा खटखटाना होगा। और भेड़िया एक बार फिर से भेड़ के बच्चों के पास जाता है और दरवाजे को फिर से खटखटाता है। अरे दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, माँ है आई। अरे जल्दी से दरवाजा खोलो, तुम्हारी माँ है आई। इस बार पक्का हमारी माँ है, क्योंकि माँ को गए हुए अब काफी टाइम हो गया है। रुको सब, मुझे पहले तसल्ली करने दो कि हमारी माँ है या नहीं है। अगर तुम हमारी माँ हो तो बताओ कि हमारी माँ हमारे लिए क्या लेने गई थी। ये तो मुझे पता है बच्चों। आ, आ, बच्चों, मैं तो तुम्हारे लिए सेब लेने गई थी। चलो चलो जल्दी दरवाजा खोलो। भीड़ का सबसे छोटा बच्चा भाग कर जाता है दरवाजा खोलने के लिए। ये तो पक्का हमारी माँ है, माँ। पिंकी का छोटा बेटा जैसे ही दरवाजे को खोलता है तो सभी बच्चे एकदम से डर जाते हैं भेड़िये को देखकर। तुम तो हमारी माँ नहीं हो। हाँ, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। अब मैं पेट भर कर खाना खाऊंगा। सभी बच्चे घर के अंदर भागना शुरू कर देते हैं और भेड़िया एक एक करके सभी बच्चों को पकड़ना शुरू कर देता है। कहाँ जाएगा मुझसे बचकर? आज तो तुम सबको अपने साथ ही लेकर चलूंगा। बहुत वक्त बर्बाद किया तुमने दरवाजा खोलने में। भेड़ का बड़ा बेटा मौका देखकर घर से बाहर भाग जाता है और घर के सामने वाली झाड़ियों में छुप जाता है। भेड़िया बाकी बच्चों को लेकर घर से बाहर आ जाता है और अपने घर की ओर चल देता है और इन सबको उनका बड़ा भाई देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि वो इन सबकी जान कैसे बचाए। चलो अब जल्दी से घर चलते हैं और इन सभी भेड़ को मजे से खाते हैं। अरे मैं कैसे अपने भाइयों की मदद करूं? इतने में पिंकी सामने से आ जाती है और वो अपने घर के दरवाजे को खुला देखकर डर जाती है। ये मेरे घर का दरवाजा क्यों खुला हुआ है? मैंने बच्चों को बोला था कि जब तक मैं ना आऊं तब तक दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। पिंकी जब घर के अंदर जाती है तो अंदर का मंजर देखकर घबरा जाती है। घर के अंदर का सारा सामान इधर उधर हो रखा था और उसके बच्चे भी उसे कहीं भी नहीं दिख रहे थे। ये कैसे हो गया? मेरे घर की हालत किसने कर दी? और मेरे सभी बच्चे कहाँ चले गए हैं? इतने
में भेड़ का सबसे बड़ा बेटा भागते हुए घर के अंदर आ जाता है। माँ, माँ, ये सब क्या हो गया है? और तुम्हारे सभी भाई किधर हैं? माँ, अभी घर में भेड़ ही आ गया था। चलो तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों तुम्हारे भाइयों को लेकर आते हैं। पिंकी और उसका बेटा भेड़िये का पीछा करने लगते हैं और वो देखते हैं कि भेड़िया काफी थक गया है और वो एक पेड़ के नीचे थक कर बैठ गया है। अरे बहुत थक गया हूँ, बहुत भारी है ये बच्चे तो। ओह, लेकिन मजा कितना आएगा इन सब को खाने में। रोज एक बच्चे को खाऊंगा। ऐसा करता हूँ, ये थैले को पेड़ से बांध देता हूँ और थोड़ी देर के लिए झपकी ले लेता हूँ मैं। ये सब पेड़ के पीछे खड़े पिंकी और उसका बेटा देख रहा होता है। वहीं पिंकी मन ही मन सोच रही होती है कि कैसे वो अपने बच्चों को भेड़िये के चुंगल से छुड़ाए। भेड़िया आराम कर रहा है और हमारे पास यही मौका है तुम्हारे भाइयों को छुड़वाने का। हाँ माँ, मगर कैसे? आओ तुम मेरे साथ। पिंकी बहुत ही समझदार और बहादुर भेड़ थी। वो अपना दिमाग चलाती है और भेड़िये के पीछे जाकर छुप जाती है। मेरी मदद करो इस थैले को खींचने में। पिंकी और उसका बेटा उस थैले को पेड़ के पीछे खींच लेते हैं और भेड़िया इतनी ज्यादा गहरी नींद में होता है कि उसे पता ही नहीं चलता। पिंकी सभी बच्चों को थैले में से बाहर निकाल लेती है। सारे बच्चे पिंकी को देखकर काफी खुश हो जाते हैं और पिंकी के गले लग जाते हैं। माँ, धीरे बोलो, कहीं भेड़िया ना उठ जाए। चलो माँ, हम सब जल्दी चलते हैं यहाँ से, कहीं भेड़िया उठ ना जाए। अभी रुको, इसको अभी मजा भी चखाना है मुझे, ताकि आगे से ये किसी भी बच्चे को उठाने की हिम्मत ना करे। पिंकी को सामने एक रस्सी पड़ी हुई दिखती है और वो रस्सी को चुपके से लेकर आती है और भेड़िये के दोनों पैरों में बांध देती है और उसके बाद पिंकी रस्सी को पेड़ से लटका देती है और बच्चों को रस्सी पकड़ने को बोलती है। बच्चों ये लो, सब लोग अच्छे से रस्सी को पकड़ लो और जब मैं बोलूं रस्सी को खींचने को तो जोर से खींचना। ठीक है मामा। खींचो। पिंकी और बच्चे जोर से रस्सी को खींचने लगते हैं और भेड़िया जोर से चिल्लाने लगता है और फिर सब मिलकर भेड़िये को ऊपर टांग देते हैं। अरे मुझे किसने बांध दिया है और कौन मुझे खींच रहा है? अरे बजाओ मुझे कोई बजाओ। ये! अरे तुम सब बाहर कैसे आ गए? क्योंकि उनकी माँ आ गई थी उनको बचाने और अब तुम यहीं लटके रहो और सोचते रहना कि मैंने कैसे अपने बच्चों को बचाया। Hey kids, if you like the video, don't forget to like and subscribe. See you in another video.